जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, दर्शनास किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक बहुत बढ़िया रेसिपी जो रोज़ काम में आती है। वो है परफेक्ट मेजरमेंट के साथ और एकदम बढ़िया स्वाद वाला होममेड चाय मसाला। ये होममेड चाय मसाले वाली चाय सुबह सुबह मिल जाए तो पूरा दिन बढ़िया जाता है। फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और साइड का बेल आइकन जरूर क्लिक करें, जिससे आप मेरी नई नई रेसिपी तुरंत देख सकें। आइए मसाले के लिए क्या क्या सामग्री लगती है देखते हैं। सौंठ 250 ग्राम, ये मेरा होममेड सौंठ है, इसका पाउडर बना के रखा हुआ है। दालचीनी 100 ग्राम, काली मिरी 100 ग्राम, 2 जायफल, 30 ग्राम लौंग और 50 ग्राम इलायची, इन सबको पीस लेंगे। आइए सबसे पहले मिक्सर जार में काली मिर्च डालेंगे। इलायची डालेंगे, लौंग डालेंगे और 2 जायफल, इसे पहले पीस लेते हैं, बाद में दालचीनी पीसेंगे। इस प्रकार पीस लिया है, अब इसे आटे की छन्नी से छान लेंगे। ये आटे की छन्नी है, इससे छानेंगे जिससे ये बारीक हो जाए और थोड़ा मोटा होगा उसे हम वापस पीस लेंगे। फ्रेंड्स, इस प्रकार की दालचीनी बहुत अच्छी रहती है, इसका स्वाद बहुत बढ़िया रहता है। ये कड़क है इसलिए इसको इसमें थोड़ा सा टुकड़ा कर लेंगे। इस प्रकार से टुकड़ा कर लेंगे जिससे पीसने में तकलीफ ना हो। सभी के टुकड़े कर लेते हैं पहले, बाद में पीस लेते हैं। दालचीनी पीस लिए, इस प्रकार पीसना है। थोड़ा ये मोटा है, इसे एक बार छान लेंगे। ये सभी मसाले मैंने पीस के छान लिया है, मैंने आटे की छन्नी से छाना है, आप रवे की छन्नी से छान सकते हैं ज़्यादा बारीक चाहिए तो। अब इसमें सौंठ पाउडर, ये सौंठ का पाउडर मैंने घर में बनाया है। पहले अदरक को अच्छे से धोकर बाद में आलू चिप्स की मशीन से पीस लिया, धूप में 2-3 दिन सुखा दिया और फिर पीस के एयरटाइट कंटेनर में भर के फ्रिज में रख दिया था। हमारा चाय का मसाला तैयार है। ये चाय का मसाला 4-6 महीने तक एयरटाइट कंटेनर में भर के फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। ये मसाला उतना ही फ्रेश और स्ट्रांग रहेगा, एक बार ज़रूर बनाएं और चाय का मज़ा लें। मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली नई रेसिपी के साथ। जय श्री कृष्ण। Thank you.